हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीधे रसोई से। आज हम बनाएंगे वेज पनीर रोल। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिएगी वेज रोल के लिए रोटी। तो हम उसके लिए एक डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में एक कटोरी के करीब मैदा ले लिया है। उसमें एक चुटकी भर नमक डाल दिया है और एक चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें मोइन के लिए ऑयल डाल देंगे। मोइन आपको नॉर्मल ही डालना है और पानी डाल करके इसको अच्छे से नॉर्मल डो बनाना है। रोटी से थोड़ा टाइट, पूरी से थोड़ा हल्का नरम बनाना है। इसको डो तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और यहाँ पे मैंने डो तैयार कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको ग्रीस कर ले रहे हैं। इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे आधे से पौने घंटे के लिए। कम से कम 20 मिनट तो हमें रखना ही होगा इसको सेट करने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पर ढक के रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म होने पर हम उसमें थोड़े से चॉप ऑनियन डाल देंगे लंबे स्लाइस में। हल्का सा पैन भून गया है तो मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है कुटा हुआ और एक चम्मच के करीब मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है। इनको भी थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और मिलाएंगे और इनको थोड़ा 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब इसमें मैंने बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी डाल दिया है, शिमला मिर्ची डाल दिया है। आप चाहें अपनी पसंद की कोई भी शिमला मिर्ची डाल सकते हैं, पीली या लाल, जो भी आपको अच्छी लगती है। और मैंने इसमें ग्रेट की हुई गाजर डाल दी है। मैं इसको कलरफुल बनाने के लिए गाजर का उपयोग किया है मैंने। इसमें रेड और ग्रीन और पत्ते गोभी का जो कलर इसमें आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। वेज पनीर रोल में बहुत ही टेस्ट आता है पनीर का, और बाकी इन सब सब्जियों का पनीर रोल बहुत ही अच्छा बनता है। और मैंने यहाँ पर रेड चिली सॉस डाल दिया 1 चम्मच और अब मैं डाल दूँगी ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच के करीब। इसमें थोड़ा नमक बाद में ही डालते हैं हम, क्योंकि सॉस के अंदर जो नमक होता है उससे काफ़ी सॉल्ट हो जाता है उसमें, इसीलिए। और अब मैंने यहाँ पर डाल दिया टमाटो केचप 1 चम्मच के करीब। थोड़ा सा मिठास इसमें अच्छा लगता है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक देखिए सब्जियाँ अपनी सॉटे होती जा रही हैं। हमको सब्जियों को एकदम से गलाना नहीं होता है इसमें, नॉर्मल सॉटे ही करना होता है। थोड़ा उसी में अच्छी लगती है। थोड़ा सा हम चलाते रहेंगे, इसकी भाप निकलती रहेगी। इसमें जो पानी बन रहा है पत्ते गोभी का वो सूखता रहेगा। ऐसे हम खुला खुला इसको पकाएंगे। और अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने डाली है यहाँ पे चिंग चाइनीज चटनी, जो कि मैंने अपने घर पे ही बनाई हुई है। आप मेरी रेसिपी के अंदर देख सकते हैं, चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है चिंग चाइनीज की रेसिपी पूरी। तो इसमें मैंने चिंग चाइनीज की 2 चम्मच चटनी डाल दी है और बहुत ही अच्छी लगती है चटनी से। बहुत ही टेस्ट आता है इस चटनी से पनीर रोल में, काठी रोल में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। किसी भी चीज़ में चिंग चाइनीज का 1 चम्मच डाल देते तो उसका स्वाद ही बेहतरीन हो जाता है। तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है। मसाला तैयार हो गया तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। और जो मैंने कच्चा मसाला पनीर बनाने की रेसिपी आपको बताई थी, मैंने उसमें यही कच्चा पनीर मसाला मैंने ऐड किया हुआ है, वही उसी का प्रयोग किया है मैंने इसमें। बहुत ही टेस्टी पनीर रोल बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप बना के देखें। मसाला बनके तैयार हो गया है, अब हम उसको साइड कर देते हैं। और अब हम चलते हैं अपनी रोटी की तरफ। तो आटा देखिए 15-20 मिनट के बाद में कितना सॉफ्ट और अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मसाज करेंगे और प्लेटफॉर्म पर डालकर सूखा आटा थोड़ा सा हम स्प्रिंकल करेंगे। सूखा आटा डाल करके इसके अच्छे से रोल तैयार करेंगे।
थोड़ा इसको हम मसाज कर लेते हैं एक बार, अच्छा सॉफ्ट डो हो जाएगा तो रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी और पनीर रोल में मज़ा आ जाएगा आपको। तो इसके मैं पेड़े बना लेती हूँ छोटे छोटे, मतलब बहुत ही छोटे नहीं बनाने हैं, रोटी के बराबर अपन को एक पेड़ा लेना है, क्योंकि अपन को रोटी थोड़ी लंबी चौड़ी चाहिए जिसमें हम पनीर वगैरह स्टफिंग करेंगे तो थोड़ा लंबी चौड़ी रोटी होती है उसकी। एक बार तवा भर के जो रोटी बनती है उसी टाइप की हमें रोटियां बनानी है इसकी, और कच्ची रोटी बनानी है, पूरा पराठा जैसा नहीं बनाना है हमें। तो मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी इसके पेड़े तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मुझे एक पेड़ा मैंने ले लिया है, और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेती हूँ, मैदा से ही डालेंगे अपन इसमें। और अब इसको हम अच्छे से पेड़े को सूखे आटे में डुबो लेते हैं, और अब इसको हम बेलन से रोल करेंगे। बहुत पतली रोटी नहीं बनानी है, थोड़ी हमें ये मोटी मोटी ही बनानी है। और देखिए काफ़ी चौड़ी रोटी बन चुकी है, इस टाइप की रोटी हमें बनानी होगी अपनी पनीर रोल के लिए। मैंने यहाँ पे ये तवा गरम करने रख दिया था, और इसको में हम अपनी रोटियाँ सेकेंगे। एक बार इसको उधर साइड से सेक जाएगी तो फ्लिप करके हम उधर दूसरी साइड से भी कर सेक लेंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें घी या बटर जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा लगाएंगे जिससे ये थोड़ा शाइनिंग वाली रोटियां तैयार हो जाएंगी। रोल के लिए शाइनिंग वाली रोटियां अच्छी लगती हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ हल्का सा, आप इसमें बटर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, और इसको ज़्यादा सेकना नहीं है, थोड़ा सा इधर से उधर से दोनों तरफ से हल्के से बुलबुले ब्राउन टाइप से आ जाएं इसमें, बस फिर हम इसको हटा देते हैं। इसको एक बार फिर से पलट देते हैं। और इस टाइप की हमें हल्की सी कच्ची रोटियां उतारनी होंगी अपने पनीर रोल के लिए। ये लीजिए एक रोटी तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं सारी रोटियां सेक के तैयार कर लेती हूँ, और एक के बाद एक सेक के रख लेते हैं हम इसको। एक बार रोटियां सेक जाएंगी उसके बाद में पनीर रोल बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पर रोटियां सेक कर रख ली हैं, और अब हम अपने पनीर रोल बनाएंगे। और हम मैंने यहाँ पे प्लेट में एक रोटी रख ली है, उसके ऊपर हल्का सा सॉस लगाएंगे, क्योंकि हमने सॉस अंदर भी डाला हुआ है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप चिली सॉस भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टमाटर केचप लगाया है, आप इसमें हरी चटनी भी लगा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने अब बच्चों के लिए बना रही हूँ, और इसमें हम साइड से रोटी के किनारे पर, बीचों बीच में नहीं रखना है स्टफिंग को, साइड से किनारे पर रखना है, और इसको यहाँ से हल्का सा प्रेस करना है, जितना आपको भरना है देख लेना, क्योंकि ज़्यादा नहीं भरेगा क्योंकि निकलेगा फिर इसमें से। हल्का सा इसको प्रेस करते हुए अंदर की तरफ रोल करना है, और धीरे धीरे हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। और ये देखिए अंदर की तरफ रोल तैयार हो गया है, और इसको अच्छे से प्रेस करके थोड़ा जिस साइड से हमने इसको रोटी को एंड किया है वहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, तो ये दबा हुआ तैयार हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे दूसरा रोल भी तैयार करके दिखा रही हूँ। ऐसे ही हम सारे रोल तैयार कर लेंगे, जितने भी आपको बनाने हैं आप बना सकते हैं, बाकी इसकी रोटियाँ आप स्टोर कर सकते हैं एक पॉलीपैक के अंदर थैली रखकर, और उसमें फ्रिज कर सकते हैं, तो इस रोटियाँ 8 दिन तक हम खा सकते हैं पनीर रोल बनाकर। तो आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने 2 पनीर रोल बना लिए हैं, मैं बाकी और बना लेती हूँ। ये मैंने 4 पनीर रोल यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं, अब इनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे।
मैंने एक तवा रख दिया था, तवा को गर्म किया है और इस पर मैंने ग्रीस कर लिया है घी से। अभी चारों रोल हम इस पर रख देंगे, उलट पुलट कर दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। हल्का सा रोल को ऊपर से भी ग्रीस कर देंगे। और यहाँ पे मैंने ये उलट पलट कर दोनों तरफ से ब्राउन सेक लिया है और इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। देखिए पनीर रोल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बिल्कुल बाजार जैसा पनीर रोल बनके तैयार हो गया है। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। पनीर रोल तो तैयार हो गया है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और स्वाद भी बहुत ही लगेगा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तैयार है ये पनीर रोल। बाकी मैं आपको एक पनीर रोल कट करके दिखाती हूँ, अंदर से कितना स्वादिष्ट और कितना यम्मी दिख रहा है, ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। आप एक बार बना के जरूर देखिए, ये देखिए अंदर से कितना यम्मी दिख रहा है, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक बार ज़रूर बना के देखें। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।